बार फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये कौन सा वेक्टर गिवन है? ई वेक्टर। सोच क्या रहे हो? वो खुद ही चीख चीख के बोल रहा हो, बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हूं। आपको जो रिपीट करना है कि ये ई वेक्टर है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल बोलो, फाइ। एरिया, एरिया द वेक्टर, डीएस वेक्टर या एस वेक्टर, राइट? एस इज अ वेक्टर। क्या निकालना है? फ्लक्स, फ्लक्स वेक्टर फॉर्म में बोलो, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई पता है, एस पता है, 10^5 और -2 बाद में कर लिया, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट है, के का तो होगा ही नहीं, तो 5 × 2 = 10, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -4 तो 6 आ जाएगा, तो कर लेना सॉल्व आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ई डॉट टी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। गिवन ई वेक्टर, ई वेक्टर के पीछे आई कैप है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm। एक स्क्वायर शीट है, साइड 10 cm, हूज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो ये क्या है? वाई जेड प्लेन है, इसके अलोंग ये शीट पड़ी हुई है, और आपको क्या निकालना है? इसका फ्लक्स निकालना है। मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये शीट YZ प्लेन में पड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, ये रही, ये YZ प्लेन में, Z बाहर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर कहां बनेगा? अलोंग X। एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो X के अलोंग बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी X के अलोंग, एरिया भी X के अलोंग, तो एंगल बिटवीन E एंड S इज 0। तो पहला तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, फ्लक्स निकालना है, तो ई एस कॉस 0, एरिया को ठीक करो, मैंने साइड का स्क्वायर नहीं किया, साइड 10 cm है, मैंने मीटर किया, इसका होल स्क्वायर भी करो प्लीज, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया लेना है ना, तो मैंने अकेली साइड ले ली, मैंने एरिया नहीं लिया, तो एल का स्क्वायर, ठीक। आंसर सेम आ रहा है, 50 ना? ओके। दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया? पहले ये बताओ सेकंड पार्ट, 60 कैसे हुआ? देखो, दूसरे पार्ट में ये कहा कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स बताओ थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30° विद द एक्स एक्सिस। मतलब कि सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक, ये मान लो वो प्लेन है,
ये प्लेन मान लो एक्स के अलोंग है, तो इस डायग्राम में ई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्लेन भी एक्स के अलोंग है। उसने ये कहा इस प्लेन को उससे पहले एक और चीज, अगर ये एक्स के अलोंग ही पड़ा रहे तो एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया में और ई में, ई एक्स के अलोंग है ना, ई वेक्टर क्वेश्चन में एक्स के अलोंग गिवन है, तो एक्स एक्सिस यानी कि ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर में एंगल कितना है 90। नहीं, मैं अपना क्वेश्चन बना रहा हूँ पहले, अगला बताऊंगा क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं तो अपना पूछ रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन में प्लेन एक्स के अलोंग पड़ा हुआ है तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 90, ये बता रहा हूँ, ठीक है। पर उसने कहा कि मैंने इस प्लेन को 30 डिग्री मोड़ दिया एक्स के साथ, तो अब ये ई वेक्टर एक्स एक्सिस है और ये 30 डिग्री मुड़ गया, तो आप देखो ना एक मिनट के लिए, जब ये 30 मुड़ा तो एरिया वेक्टर भी मुड़ गया ऐसे, ये ब्लू कलर का पेन, एरिया वेक्टर मुड़ गया, तो पहले एरिया वेक्टर ने कितना एंगल बनाया हुआ था ई के साथ 90, अब ये प्लेन जब 30 अंदर मुड़ गया तो ये पेन भी 30 मुड़ गया, जब पेन 30 मुड़ गया बचा हुआ एंगल कितना हो गया 90 में से 30 गया तो 60। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक, पहले ये एंगल मान लो 90 था ये देखो, और ये प्लेन मुड़ गया तो ये ब्लू पेन 30 डिग्री मुड़ गया, तो जब ये तो मुड़ा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुड़ा नहीं, तो ये पेन अगर 30 डिग्री मुड़ गया अंदर की तरफ तो बचा हुआ कितना एंगल रह गया 90 में 30 गया तो 60। तो पॉइंट समझ में आया कि फ्लक्स के अंदर कौन से दो वेक्टर के बीच में एंगल देखा जाता है, ई वेक्टर और एस वेक्टर, क्योंकि ई वेक्टर तो मुड़ा नहीं, एस वेक्टर मुड़ गया 30 डिग्री, अब नया एंगल इनके बीच में कितना हो गया 60। तो पॉइंट समझ में आया, ई डी एस कॉस 60, स्क्वायर कर लेना, ठीक यहां तक। मैंने वो तो उसे बोला नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, उसने न्यूमेरिकल दिया था, ये मेरी इमेजिनेशन है, कैसे तो ये वाला पार्ट है ना, इसका इससे लेना देना नहीं है प्लीज, अब ये इंडिपेंडेंट है, वो खत्म हो गया, मतलब ये नहीं है कि प्लेन ऐसे है फिर मैंने 30 घुमाया, मैं समझ गया आप कह रहे हो कि ये प्लेन ऐसे है 30 घुमाया, मैं कह रहा हूं कि नया क्वेश्चन है कि 30 डिग्री एक्सिस का एंगल है ऐसे है, इंडिपेंडेंट है, हाँ फिर वो वहां से आंसर चेंज हो जाएगा, फिर हाँ तो वैसे भी कर लो इसको, यहां 30 डिग्री बना लो, हाँ तो बात तो एक ही हो गया, फिर वो 30, हाँ 30 आएगा फिर, हाँ फिर दो क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर पिछले के साथ कनेक्ट करूंगा तो 30 आएगा, अगर इंडिपेंडेंट नया बनाऊंगा तो 60 आएगा, राइट, हाँ ठीक है ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये क्वेश्चन पढ़ना है प्लीज, ये क्वेश्चन पढ़ो प्लीज, क्वेश्चन पेपर बांट रहे हैं वो भी ले पकड़ना। ओके देखो, स्फेरिकल गॉशियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ क्यू गिवन है, और स्फेरिकल सरफेस है और स्फीयर है, चार्ज पता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो ऑब्वियसली फ्लक्स क्या होगा उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, पहला पार्ट क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं गॉशियन सरफेस के को मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो गॉस ने क्या कहा था, ये बताओ कि गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो अंदर तो कोई चार्ज चेंज नहीं किया, तो ये तो फर्क नहीं पड़ता कि गॉशियन सरफेस छोटी है या गॉशियन सरफेस बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट इसमें, ये क्वेश्चन देखना प्लीज।
मैं करेक्शन करवा देता हूँ। हाँ एक्चुअली ये होना चाहिए था कि अ चार्ज 10 माइक्रो कूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ने फ्रॉम दिस शीट, इस शीट से 5 सेंटीमीटर ऊपर, इसके सेंटर से, शीट के सेंटर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसके नहीं, मींस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड, गलत भी नहीं है, वो कह रहा है स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर का सेंटर ले लिया, इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर नहीं है, वो स्क्वायर शीट ही दे रहा है, एक स्क्वायर शीट के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर ये एक चार्ज है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको इस स्क्वायर शीट का फ्लक्स निकालना है, तो ये चार्ज है और ये स्क्वायर शीट है, ये चार्ज लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, कोई डाउट इसमें, ये देखो, और ऑब्वियसली इस तरफ भी जाएंगी, ये देखो हर तरफ जाएंगी लाइंस, पर आपको फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है, इसका निकाल, तो टोटल तो नहीं आएगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली, तो ई डी एस करेंगे तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, क्यों मुझे दिखेगा नहीं ई कहाँ जा रहा है और एरिया कैसे ले, एंगल चेंज होगा, तो ई डॉट डी एस तो नहीं चलेगा, तो एक इसका एक शॉर्टकट है, क्या तरीका है, गॉस थ्योरम। गॉस कहती है कि अगर सपोज करो उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी का फ्लक्स इजीली कैन बी कैलकुलेटेड, तो एक काम करते हैं हम इसको क्लोज बॉडी बनाते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि इस स्क्वायर के पैरल एक और स्क्वायर शीट इसके ऊपर है, 5 सेंटीमीटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर, और इसके 5 सेंटीमीटर इधर दूर एक स्क्वायर शीट है, 5 सेंटीमीटर दूर एक स्क्वायर शीट है, आगे और पीछे भी है, तो पूरी फिगर क्या बन गई, एक क्यूब। तो इमेजिन कर लो ये फ्लोर एक शीट है, ये एक चार्ज है मिड पॉइंट पे इस रूम के, और इसका फ्लक्स निकालना है फ्लोर का, तो हमने क्या किया, इक्वी डिस्टेंट 5 सेंटीमीटर ऊपर ये छत लगा ली, 5 सेंटीमीटर दूर ये दीवारें खड़ी कर ली, 5 सेंटीमीटर दूर वो दीवारें खड़ी कर ली, ठीक हो गया, तो क्या बन गया, एक क्लोज बॉडी। तो क्यू चार्ज, अब इस क्यूब के, जब आप एक क्यूब बनाओगे पूरे का पूरा, ये देखो क्यूब बन गया, तो सारे साइड में से सेंटर के ऊपर चार्ज आ गया ना, तो सारी साइड में इक्वल नंबर ऑफ लाइन जाएंगी, बराबर जाएगा बाई सिमेट्री, ठीक। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरी बंद बॉडी है, बंद बॉडी का फ्लक्स ये ना, पर हमें क्यूब का तो निकालना ही नहीं, हमें तो एक फेस का निकालना है, क्यूब में कितनी फेसेस हैं, 6, एक फेस का फ्लोर वाले फेस का बाय 6 आंसर। तो इमेजिन करना है, पहले सिर्फ बेस गिवन है, शीट गिवन है, आपने इसको इमेजिन करके क्या बना लिया, एक बंद बॉडी, और कैसे आपको के बंद बॉडी में क्या है, कुछ भी आर्बिट्री बना, स्क्वायर हेमिस्फीयर रख दो, कुछ भी रख दो, आप रख दो, पूरी बॉडी का तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर बांटोगे कैसे हेमिस्फीयर को बीच में, क्योंकि आपको तो एक फेस का निकालना है, तो आप सिमेट्री में ही बनाओ ताकि जब टोटल आ जाए तो उसको बांटना ईजी हो जाए। बोलो कैसे करेंगे, ई कहां दिखेगा, लाइन तो पता नहीं कहां कहां जा रही है, छे कैसे आएगा, आंसर तो 1/6 क्यूब एप्सिलॉन नॉट है ना, प्रूव कर दो, सॉलिड एंगल से करना पड़ेगा, 2D इंटीग्रेशन चलेगी नहीं, 3D चलेगी, जो वो केस पेंडिंग है, ठीक, उसी का इलाज तो निकाला गया है गॉस थ्योरम, हम ऐसी प्रॉब्लम करेंगे ही नहीं उससे, पहली बात तो करनी होगी तो स्टेडियन से करनी पड़ती है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होगी, 2D में नहीं होगी, तो ये स्टेप क्लियर है, लेकिन ये ज्यादा आसान है और नॉर्मली हम ऐसे ही करेंगे। फिर देखो हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर के सरफेस के ऊपर चार्ज रख दिया और हेमिस्फेयर का फ्लक्स पूछ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि एक चार्ज हर तरफ लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पर हमें तो हेमिस्फेयर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इमेजिन कर लेते हैं बाइसिमेट्री एक और हेमिस्फेयर इसके ऊपर है, इमेजिन कर लो, तो टोटल फिगर क्या इमेजिन कर लिया आपने, एक स्फीयर, अब स्फीयर के सेंटर में क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, हर तरफ लाइंस इक्वली एमिट करेगा, ऊपर वाले हेमिस्फेयर नीचे वाले हेमिस्फेयर पे सेम करेगा, तो हमें तो हेमिस्फेयर का निकालना है, पूरे स्फीयर का फ्लक्स क्लोज बॉडी का क्या रहेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हेमिस्फेयर का क्या होगा, हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब कुछ नहीं करना, सबसे आसान काम यही है, जो भी फिगर गिवन होगी बाय सिमेट्री उसको ढक दो उसी फिगर से और फिर डिवाइड बाय हाफ कर दो, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक।
नेक्स्ट है, फिगर को कट करो, सिलेंडर करो और सिलेंडर करो, गलती से हेमिस्फीयर लिखा गया, ये सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर करो करेक्शन। सपोज एक सिलेंडर है और क्यू चार्ज टॉप पे है, अब वही सेम प्रॉब्लम, सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है, अब लाइंस तो हर तरफ जाएंगी, अपने को तो नीचे का निकालना है पर कुछ लाइन तो ऊपर भी चली गई, तो एक काम करते हैं सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर लिख देते हैं, रख दिया तो क्लोज बॉडी बन गई, बायसिमेट्री पूरी पूरी क्लोज बॉडी के सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर हमें तो नीचे का चाहिए सिर्फ, डिवाइडेड बाय टू उसका सिमेट्री में बिल्कुल इक्वल रखना, तभी तो आधा आधा डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ, अनइक्वल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बराबर कर रहा है, ठीक ठीक शुभ क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट में हाँ, तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट बांटेंगे कैसे आधा आधा, वो ज्यादा लाइन ले जाएगा वो कम लेके जाएगा, फिर तुम कहोगे झगड़ा हो गया, तो बराबर ही बांटना है उसे ताकि डिवाइड करते हुए आसानी हो जाए। देखो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के बाहर चार्ज रह गया तो हेमिस्फेयर का फ्लक्स इज जीरो, ठीक हो गया, हेमिस्फेयर के अंदर चार्ज चला गया पूरे हेमिस्फेयर का फ्लक्स इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट, हेमिस्फेयर के सरफेस के ऊपर चार्ज रह गया, अब सेम प्रॉब्लम, अब ना अंदर गया ना बाहर गया, अब इमेजिन करो कि नीचे भी हेमिस्फेयर है, पूरे स्फेयर का क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, आधा करेंगे तो हाफ क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। एक क्लोज्ड बॉडी है, इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, कुछ अंदर पड़े हुए हैं, कुछ बाहर पड़े हुए हैं और बीच में क्वाइन पड़ा हुआ है, और क्वाइन न्यूट्रल है, क्वाइन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक, टोटल फ्लक्स निकालो इस क्लोज बॉडी का, तो क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, क्यू वन है, क्यू टू और क्यू थ्री, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर पॉइंट समझ में आ गया, ठीक, दो साल पहले मेंस का पेपर उठाओगे ना ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको, कुछ चार्ज बाहर है कुछ अंदर है और आपको टोटल फ्लक्स निकालना, नीट में कई बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट निकाल लो, बहुत इजी भी आ जाते हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, फ्लक्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो पक्का आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये दो शेल्स हैं S1 एंड S2, दो चार्जेस हैं Q एंड 2Q, तो दोनों शेल्स के फ्लक्स की रेशियो निकालो, शेल नंबर S1 का फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्लियर है, शेल नंबर 2 से पूछो तेरा कितना फ्लक्स है, वो कहेगा मेरे अंदर कितना चार्ज है, मेरे अंदर तो 2Q भी है और Q भी है, सब इसके इनसाइड आ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स ये रहा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो फ्लक्स की रेशियो आ जाएगी, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। इसी क्वेश्चन के कॉन्टिन्यूशन में वो ये पूछ रहा है कि अब मान लो एक मिनट के लिए जो S1 स्फीयर है इसके अंदर एयर की जगह या वैक्यूम की जगह डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दो, अब बताओ इसका फ्लक्स क्या होगा, तो इसका फ्लक्स होगा Q डिवाइडेड बाय इसके अंदर कितना चार्ज है, Q एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन M, अब मीडियम आ गया, क्लियर है यहां तक, और क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम इज के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यहां पुट कर दें आंसर आ गया, तो एप्सिलॉन एम यानी कि के इनटू एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा, हाँ के से डिवाइड हो जाएगा वैल्यू, ऐसे बोल सकते हो, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट इसी के कॉन्टिन्यूशन में वो कह रहे हैं यहां डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया मान लो और एस वन का फ्लक्स निकालो, अब S1 के अंदर कितना चार्ज है Q, बाहर जो मर्जी डालो अंदर तो चार्ज Q है, तो आंसर विल रिमेन सेम Q बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट यहां तक।